केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव किया है, तो देश भर में बड़े वाहनों के पहिए पर ब्रेक लग गया और ट्रक, डंपर और बस चालक सड़क पर उतर गए। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की भी सप्लाई बाधित हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में नए कानून बनाए हैं, जिससे कोई ट्रक या बस चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, वहीं 7 लाख तक का जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में भी अब हड़ताल का असर दिखने लगा है। भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पर हमेशा हजारों यात्री और दर्जनों बस लगी रहती थी, लेकिन आज पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। यात्री बस डिपो पहुंच रहे हैं और हड़ताल की खबर सुनकर निराश होकर वापस लौट रहे हैं, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। परेशानी हो रही है जी? परेशानी तो बहुत है भैया, अब कैसे जाना होगा पता भी नहीं है, रूट भी नहीं मालूम। वो तो ड्राइवर लोग का मांग है कि लोग अगर एक्सीडेंट करते हैं तो 10 साल का जेल और 7 लाख रुपया ये कहाँ से देंगे, इसलिए लोग हड़ताल किए हुए। क्या कहेंगे सरकार को? क्या बोलेंगे, हमको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता भैया। परेशानियाँ हो रही है? हाँ, सिर्फ परेशानियाँ। अब उतना दूर से आए हैं, अब समझ में भी नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, गलत है ये कानून है कि 10 साल जो जेल दिया है तो ये तो ठीक है, लेकिन पैसा जुर्माना है ये गलत है। जैसे बहुत 100% परेशानी हो रही क्या है, करेंगे? अभी गाड़ी नहीं है, अब क्या करेंगे? अब झेलना पड़ेगा ये धरती पर। सरकार खुद गाड़ी चलाएगा, ये ड्राइवर की दोष नहीं है, ये ड्राइवर की दोष नहीं है। ड्राइवर के सामने अगर हम पहुंच जाएंगे तो ड्राइवर कैसे बचाए? हमको वोल्टा जाना सर, वोल्टा जाने के लिए बताइए, हम व्यापारी इंसान है, बताइए बस नहीं चलेगा तो कहाँ से जाएंगे? अब दिक्कत हो रहा है, ये माल हमको हो गया करीब 8 बजे के बैठे हुए हैं सर। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। कैसे जाइएगा? अब कैसे जाएंगे, यहीं अटक गए हैं, सवारी मिलेगा तभी जाएंगे, नहीं मिलेगा तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो हड़ताल पर फिर क्या, यहीं रात बिताना पड़ेगा सर। कलेश से बंद है बस। क्यों बंद कर दिया? बंद है, इतना जुर्म सजाए कानून बदल गया है, इसके कारण हम लोग बंद किए हुए हैं गाड़ी। तो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि आप लापरवाही से नहीं चलाएं, इसलिए नियम बनाया ना, तो इसमें बंद क्यों कर दिए? बंद कर दिए, इतना जुर्माना कहां से दे पाएंगे सर, 7 लाख रुपया है, 10 साल सजा है। तो जुर्माना कब है, जब आप एक्सीडेंट करके भागिएगा? भागिए नहीं, वही रहिए बस। भागेंगे नहीं रहेंगे तो पब्लिक तो एक्सीडेंट वाला का नहीं देखता है, पहले पब्लिक देखता है कि ड्राइवर के पकड़ के लाते मुँह के हर देता है, मौत भी हो सकता है, इस चलते ड्राइवर भाग जाता है गाड़ी छोड़ के। लेकिन इसके पहले नियम नहीं था कड़ा, तो ड्राइवर ऐसे बेतहाशा गाड़ी चलाता था कभी कभी जो है, तो अब तो सुरक्षा से चलाएगा गाड़ी ना, ये तो सबके लिए अच्छा बात है ना। हाँ, ये तो बात है सर, नियम तो बना है तो इतना पैसा कहाँ से देंगे, नियम बना है तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, एक ड्राइवरी करके बाल बच्चा पोसते हैं। तो ड्राइवर जो है, अगर इसके चलते पूरा बस बंद हो गया, पब्लिक लोग को रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, कैसे जाएंगे लोग, सफर कैसे करेंगे? अभी कैसे जाएंगे तो पब्लिक लोग ना सोचेंगे सर, कैसे जाएंगे, हम लोग तो मर रहे हैं। अरे तो आप लोग का तो खाना पीना बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा तो अपना घर चले जाएंगे, घर तो रहेंगे ना सुरक्षा, 7 लाख रुपया कहाँ से दे पाएंगे सरकार के एक्सीडेंट होने के बाद। गाड़ी क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर शर्मा नाम है। कितना साल से चला रहे हैं गाड़ी? गाड़ी तो 33 वर्ष से चला रहे हैं सर। अब वो कौन 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जुर्माना देगा, 10 साल जेल भुगतेगा, बताइए कैसे गाड़ी चलेगा? ये सरकार ये कौन सा प्रावधान निकाला है, ये कोई प्रावधान है? यदि गाड़ी हम रोकते हैं, बोलता है हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, उसके पहले तो पब्लिक ही मार देगा। न टोटो वाला मानता है, न ठेला वाला मानता है, न रिक्शा वाला मानता है, न मतलब मोटरसाइकिल वाला मानता है, बेवजह के ड्राइवरों को फंसाया जा रहा है। हम ठेला चला के जी लेंगे भैया, ये मोटर नहीं चलाएंगे, अपना अपना मोटर अपना अपना मालिक रखे। ड्राइवर मारता है तो कोई कफन देता है क्या? कोई सुनता है? आज तक सुना है? कोई नहीं सुना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल वापस ले, नहीं तो गाड़ी अपना अपना खड्डे में डाल दे। ड्राइवरी नहीं करना अपने को, ठेला चला करके हम अपन जी लेंगे, ड्राइवरी नहीं करना। लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, ट्रक नहीं चलेगी, तो देश से चलेगा, देश कैसे चलेगा? अब देश का हम जिम्मेवारी हैं, हमारा अपना बच्चा तो पला नहीं आज तक। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार सोचेगी, सरकार बोलेगी, ये सरकार का निर्णय होना चाहिए कि ये जो हम फैसला दिए, ये फैसला हमारा गलत है। ये सरकार भी अपना सोचे कि ड्राइवर सबका जान, 100 आदमी का जान लेके गाड़ी में चलता है, फिर भी ड्राइवर के ऊपर इतना अन्याय और इतना ये दिया गया है प्रस्ताव, जो ये गलत दिया गया है। आप क्या, आप यहाँ पे कर्मचारी जी? यात्री हम लोग यहाँ स्टैंड का स्टाफ हैं, हम लोग यहाँ गाड़ी बुक करते हैं जी।
तो जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आप लोग का बेरोजगारी तो क्या करेंगे सर? हम लोग के लिए ड्राइवर है तब ना हम लोग ड्राइवर के ही ऊपर 100 आदमी को किसी भी के भी माँ बहन घर से आती जाती कोई भी आता जाता है तो ड्राइवर के भरोसे ही हम लोग यहाँ से उसको भेजते हैं। तो जब तक ड्राइवर खुश नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? ड्राइवर ही तो हम लोग का भगवान है। 100 आदमी को लेके जाता है तो ड्राइवर ही भगवान है और उसी को आज सब चीज खराब कर दिया गया है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव लिया है सरकार ये गलत है, इसको अच्छा, वापस लिया जाए। ये नहीं आएगा तो हम लोग इतना मजदूर है, हम लोग तो भूखे ना मर जाएंगे। गाड़ी आता हम लोग को यहाँ 50 आदमी कम से कम हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। ठेला वाला है, यहाँ का लेबर मजदूर है, सब उतारते हैं, हम लोग कमाते हैं। अगर गाड़ी ना आएगा तो हम लोग क्या कमाएंगे? हम लोग तो कम से कम 150 आदमी भूखे मर जाएंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग के अगर इस भागलपुर बस स्टैंड की बात कर ले यहाँ पे तो कितने लोगों का रोजगार चलता होगा यहाँ पे? 500 कम से कम 500 रुपया यहाँ 500 मजदूर यहाँ खर्चता। 500 मजदूर और ड्राइवर अलग से या ड्राइवर को मिला तो अलग है सर। हम लोग मजदूर का बात किए, कम से कम यहाँ 300-400 खाली ठेला वाला मजदूर तब यहाँ उतारने वाला, हम लोग ठेला से माल पहुँचाते हैं। तो आप लोग तो डेली कमाते होंगे, डेली खाते होंगे। हाँ, तब क्या करेंगे सर? 200-300 कमाते हैं, कैसे बाल बच्चा पाल रहे हैं हम लोग, अपने कैसे हम लोग पाल रहे हैं? हम ही लोग भैया इसका मजबूरी बुझ रहे हैं। कितना दिन होगी हड़ताल का? हड़ताल तो आज 4 दिन से हड़ताल है यहाँ। तो 4 दिन से कमा नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे सर? यहाँ झूठे बैठ के घूम फिर कर जा रहे हैं, यहाँ घर में भी मन नहीं लगता है, क्या करेंगे? घर जाएंगे तो घर में जाते हैं तो बाल बच्चा सवाल करता है, पापा ये दीजिए वो दीजिए, बच्चा सबको मानता है। हम लोग बड़ा बुजुर्ग मान लेते हैं, एक दिन भूखा भी रह जाएंगे, बच्चा भूखा रहेगा तो कैसे, क्या करिएगा? क्या करेंगे सर? हम लोग यहाँ इसी वजह से हड़ताल है यहाँ। हम लोग भी सरकार से कोई मांग कर रहे हैं तो सरकार से मांग नहीं करेंगे? इस ड्राइवर को अभी सर 1000 वेतन मिलता है, अगर कहीं खुदा ना करता हो ना हो, सब भगवान ने करे हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा 7 लाख कहाँ से भरेगा? क्या इसका सरकारी जॉब सरकार हम लोग को लगा दिया ड्राइवर साहब का? क्या यहाँ नहीं है ना? हाँ, ऐसा बात है, सबको सरकारी नौकरी दिया जाए, 50,000 महीना वेतन कीजिए, जो होगा अगर ऐसा होगा या खुदा ना करता कुछ होता है ड्राइवर को, उसका इंश्योरेंस में कुछ इंश्योरेंस किया जाए, तब भले उसमें कुछ शामिल होगा हम लोग का। तो ये चालकों पर लगाए गए कानून लागू करने को लेकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहले पिस्ता चौक फिर जमनी चौक खिरी बांध पेट्रोल पंप के समीप बाबूपुर मोड़ कहलगांव नवछिया में चालकों ने करीब 3 घंटों तक रोड को जाम कर दिया, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं दिया गया। वहीं इसकी सूचना थाने को दी गई, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझा कर जाम को हटाया। वहीं वहां मौजूद चालकों का कहना था कि हम लोग गरीब है, 10,000 से 15,000 महीना किसी तरह कमाते हैं और अपने घर का भरण पोषण करते हैं, अगर यह कानून लागू कर दिया जाएगा तो या तो हम लोगों को 7 साल जेल में रहना होगा, नहीं तो 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। आखिर हम लोग इतनी मोटी रकम कहां से लाएंगे, इसलिए इस कानून को वापस किया जाए। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। 10-7 लाख पैसा रहता हम लोग के पास, यही ड्राइवरी करता, कोई बिजनेस नहीं करता हम लोग, ड्राइवरी करता। कितने दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं आप? 2012 से। 2012 से कौन लाइसेंस है? हेवी लाइसेंस है क्या? हेवी लाइसेंस है। हेवी लाइसेंस हाँ। क्या कहेंगे सरकार से? इसको एक ये वापस लीजिए। क्या ये कानून वापस करके? ये कानून को वापस लीजिए। सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, ये वापस ले ले, ये जो कानून लागू किया है उसको वापस ले ले। मोहम्मद इशार भाई, इसलिए आज हम ड्राइवरी करते हैं, कितना कमाते हैं महीने में? 15,000 नहीं पूरता है और साला यार 10 लाख का हमारे ऊपर जुर्माना कर दिया है। साला 10 साल जेल कैसे कटेंगे? 10 साल जेल कटेंगे या 10 लाख रुपया जमा करेंगे? 10 लाख बाल बच्चा भी नहीं गिर पाएगा कि मेरा पापा जा रहे हैं। क्या है, क्या हुआ तो अभी अभी यहाँ जाम में जो फंसे हुए कोई दिक्कत है? नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर। आप सभी देशवासियों और भागलपुर वासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप लोग नए वर्ष में सुखी रहें, सानंद रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद जी। प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से भागलपुर एवं देशवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
ये नव वर्ष 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। प्रणाम। नमस्कार, आइडियल टाइल्स की तरफ से भागलपुर शहर वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी स पैक्स अध्यक्ष बलवाचक की ओर से पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी को आने वाले 2024 नव वर्ष की एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। तमाम माता बहनों के बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे नए वर्ष में रोग से व्याधि से दूर रहे। साथ ही हमारी सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है, अतः आपसे एक निवेदन है कि नए साल में ले नया प्रतिज्ञा, घायल को देख फोटो वीडियो बना मत आगे बढ़ जाना, उसे अस्पताल जरूर लेकर जाना, उसकी जान बचाना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता की ओर से सभी भागलपुर वासी, राज्यवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका नव वर्ष खुशियों से भरा एवं मंगलमय हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस को समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को देर रात एक सेमी राइफल, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 21 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देर रात यह सूचना मिली कि कुछ अपराधी नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर बैठकर शराब पार्टी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मामले की सत्यता की जांच के लिए सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम जब ललन यादव के घर पहुंची तो कई व्यक्ति तेजी से पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चारों व्यक्ति की जांच हुई तो सभी के अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई। उसके बाद चारों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई तो बक्से से एक लोडेड पिस्तौल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद किया गया। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि ललन यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। सूचना मिली कि कुछ लोग गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर पर बैठकर शराब पी रहे हैं, तो उसी के सत्यापन के लिए पुलिस वहां गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई और नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और टीम वहां पे गई और ललन यादव के घर पहुंची तो देखा 4 व्यक्ति वहां तेजी से भाग रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो उनके पास से अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया उनको, और फिर उनकी तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड पिस्तल कट्टा बरामद हुआ, लोडेड कट्टा बरामद हुआ। उसके पश्चात उनके घर की तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्तल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद हुआ है। तो और ललन यादव के साथ साथ संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और जो ललन यादव है इसके ऊपर पूर्व से ना 6 केस हैं इसके ऊपर, और भी आपराधिक इतिहास है इसका हम पता कर रहे हैं, और जो बाकी 3 लोग हैं उनके बारे में भी आपराधिक इतिहास उनका पता लगाया जा रहा है।
और जो टीम गठित की गई थी उसमें राजरतन थानाध्यक्ष नाथनगर थे, राजीव रंजन नाथनगर थाना से, राघव कुमार सिंह, आनंद किशोर राय, रवि रंजन सिंह और बाकी सशस्त्र बल था। तो इनके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, सूचना जो मिली थी उसका सत्यापन किया गया तुरंत और इन लोगों को पकड़ा गया और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया। नरेंद्र यादव पर संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं क्या? आम शायद चोरी, SC ST लूट इत्यादि के केस इनके ऊपर पहले से दर्ज है और बाकी आपराधिक इतिहास भी हम बाकी चारों तीनों का ही पता कर रहे हैं। किस थाना क्षेत्र का क्षेत्र का है? हाँ, कोई घटना ये लोग प्लान बना रहे थे तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं किस बारे में। वहाँ एकत्रित हुए थे, चार लोग एकत्रित हुए थे और कोई घटना प्लान कर रहे थे तो अभी पूछताछ चल रही है। सर, ललन के अलावा जो बाकी तीन केस उनके अंदर हुआ उसके उनके इंडिया गठबंधन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस पहले लड़ी थी लेकिन इस बार उससे ज्यादा सीट आने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर सीट पर पहले से कांग्रेस का दबदबा रहा करता था। 1989 भागलपुर दंगे के पहले यहां कांग्रेस के भागवत जाजाद सहित अन्य नेता लगातार जीतते थे। उन्होंने कहा कि भागलपुर सीट की दावेदारी उन्होंने कांग्रेस की हुई एक बैठक में भी की थी। इस सभी पर फैसला राहुल गांधी और खड़गे सहित इस बार सोनिया गांधी के फैसला लेने की बात उन्होंने कही। वहीं सीट बंटवारे के पहले ही इंडिया ब्लॉक में सीट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन इंडिया बना है, पिछली बार हम लोग 9 सीट पे लड़े थे, इस बार भी हम लोग चाहेंगे अधिक से अधिक सीट पर लड़ें, लेकिन यह तय तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब और जो इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हम लोग के साथ हैं सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस वाले चाहते हैं कि जो सीट हम जीत रहे हैं, जहां हम जीत सकते हैं वहां पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। भागलपुर सीट पर भी दावेदारी इस बार कांग्रेस करेगी क्या? देखिए, भागलपुर ऐसा है कि यहां से 1989 में जो यहां पर हिंदू मुसलमान दोनों भाई को लड़ाने का काम किया, किसने किया पूरी जनता जानती है। निश्चित तौर पर उसके पहले यहाँ कांग्रेस लगातार आदरणीय भागवत जाजा जीतते रहे हैं, वहीं से पूरे देश में कांग्रेस का ग्राम घटा है। निश्चित तौर पर इस बार बैठक में बात हुई है भागलपुर भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन फिर आपको कहेंगे कि ये बात सब लोग बैठ के इंडिया गठबंधन में बात होगी, लेकिन मेरा भी मानना है कि भागल नए साल 2024 का लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। रात को 12 बजे जैसे ही घड़ी के कांटे बदले, तारीख बदली, उसी समय जश्न शुरू हो गया। लोगों ने खूब आतिशबाजियां की। सुबह होते ही लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में खासा भीड़ देखा गया। कहीं हवन होते दिख रहे थे तो कहीं पिकनिक मनाते लोग दिख रहे थे। वहीं बच्चों ने खूब मनोरंजन किया। कई संस्थाओं के द्वारा भी कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सभी पिकनिक स्पॉट पर प्रशासनिक सुरक्षा को लेकर सुरक्षाकर्मी जवान भी मौजूद थे। पुराने साल को अलविदा कहते और 2024 के आगमन पर शहर के युवा जमकर डीजे की धुनों पर रात भर थिरकते रहे। रात भर गाने बजते रहे, लोग इसका आनंद लेते रहे। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर गई वैसे ही आतिशबाजी शुरू हो गई। लोग 2024 के आगमन पर एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। भागलपुर की कई रेस्टोरेंट में नए साल के जश्न का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर रात भर मस्ती की। पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर के रहने वाले अभिमन्यु कुमार अपने दोस्तों के साथ गांव के बगल में बसपिट्टा के पास पिकनिक मना रहे थे। इसी क्रम में दो व्यक्ति हथियार के साथ आए और अभिमन्यु कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक व्यक्ति को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। जख्मी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। SDPO कहलगांव एवं पीरपैंती पुलिस के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया जहां से एक जिंदा कारतूस एवं एक गोली का खोखा बरामद किया गया है। घटना कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। इस संदर्भ मृतक के भाई ने फर्द बयान के आधार पर दो नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया तथा दूसरे गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। नहीं था। तो फिर? कुछ नहीं था, इसे मन बढ़ती मार दी। कब मारा गया? 9 बजे मारा।
मुझे मारा मेरा भैया को। केस उठ गया? हाँ। पकड़ाया कि नहीं कोई? हाँ, एको पकड़ाया है। कौन पकड़ाया? उसका चाचा पकड़ाया है जो बोला मारने के लिए उसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेता कुमार है। अच्छा, ये रामनगर में जो घटना हुआ गोली का, कैसे क्या हुआ था? ये विदुर कुमार और प्रीता, इसने गोली मार दिया अभिमन्यु कुमार को, और उसके साथ में रंजीत यादव, उसको भी गोली मारा है, जिसमें कि उसका पैर में लगाए गोली, और अभिमन्यु कुमार को प्लॉट डेथ हो गया। उसमें दो लोग मारने में शामिल था, बिलूर कुमार और विक्रम यादव सरपंच, दोनों ने मिल के मारा है। आप उनके कौन हुए? हम अभिमन्यु के भाई। ना डिस्को जाएंगे ना होटल जाएंगे, हम तो श्री बाबा बटेश्वर नाथ धाम में भजन गाएंगे। नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्री बाबा बटेश्वर नाथ धाम के प्रांगण में सवेरे से ही हजारों भक्तों की भीड़ बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए लगी रही। वहीं पर बाबा की असीम कृपा से बहुत ही सुंदर बाबा का दरबार सजा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। इतना सुंदर और मनमोहक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। साथ ही भजन का भी कार्यक्रम साज सज्जा श्रृंगार संपूर्ण व्यवस्था के बीच केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा की गई थी। आने वाले तमाम अतिथियों को श्री बाबा बटेश्वर नाथ धाम का फोल्डर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। काफी संख्या में गंगा के पार से लोग बड़ी बड़ी नाव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ एवं नागा बाबा के दर्शन करने के लिए नववर्ष पहुंचे।